छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले के जोंगरगढ़ में लोगों को नया पट्टा देने की कांग्रेस सरकार की घोषणा के बाद शहर में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। एक ओर जहां बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर चुनावी राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवाज खान बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि 15 साल तक रमन सरकार ने यह काम क्यों नहीं किया। बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा नजूल भूमि पर काबिज सभी लोगों को पट्टा वितरण किए जाने की घोषणा की गई है। इस मुद्दे को लेकर अभी से डोंगरगढ़ में बीजेपी व कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवाज खान ने तहसील कार्यालय परिसर पहुंचकर आम लोगों को समझाते हुए कहा कि पट्टा सभी को मिलेगा, किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया, अब चुनाव समीप देखकर राजनीति कर रही है। शहर के वार्ड नंबर 2, 14 और 15 के वार्डवासियों को लेकर भाजपा मंडल के समस्त कार्यकर्ता, पार्षद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बुधवार पारा गुरुद्वारे के सामने रैली निकालकर डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचे और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अविनाश भोई को पट्टे सर्वे में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। ये लोग आए थे ज्ञापन सौंपा, इस संबंध में बताइए। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में ज्ञापन मिला है। शासन के दिशा निर्देश मिले हैं, इसमें इसके तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो 1984 के भूमि पट्टे जो पुराने गए, उनका भूमि समाधिकार के तहत शासन के दिशा निर्देश में कार्रवाई की जी। बताइए, आज आप सब ज्ञापन सौंपने आए थे, इस संबंध में अभी जो शासन द्वारा जो पट्टे वितरण करने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके अंतर्गत मौके पर जाकर आरआई और पटवारी द्वारा नाप जोख किया जा रहा है, जो स्थल निरीक्षण करके जो रिपोर्ट बना के फार्म जमा किया जा रहा है, उसके अंतर्गत वार्ड नंबर 14 और 15 में और वार्ड नंबर 2 के इलाके में पहाड़ी से तराई के क्षेत्र में जो नीचे का इलाका है, वहाँ पर इन लोग नाप जोख करने से असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पट्टा नहीं मिल सकता, शासन द्वारा इस क्षेत्र को निर्देशित नहीं किया गया है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पट्टा देने का हमारे पास अधिकार नहीं है, हम बाध्य हैं, दूसरी जगह नाप सकते हैं लेकिन इस इलाके में नहीं दे सकते। जबकि वहाँ 1984, 1998, 2002 इन शासन में अलग अलग समय में पट्टा लोगों के पास आज भी है और उसी क्षेत्र में इन लोग बोलते हैं कि पट्टा नहीं दिया जा सकता। तो कैसा नियम इन्होंने बनाया है, कैसा इन्होंने तो अपने सरकार में आने के पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर गरीब आदमी उसको हम पट्टा देंगे, और पट्टा भी देंगे तो 30 साल का पट्टा देना चाहिए, ये बोलते हैं कि 1 साल का पट्टा देंगे। 1 साल का पट्टा में तो प्रधानमंत्री आवास का भी पात्र नहीं रहता है। आदेश की कॉपी में 1 साल का देंगे, इनके द्वारा जो आदेश निकला है उसमें कॉपी है, एसडीएम साहब के पास ले सकते हैं, कॉपी टेबल में है, हमको भी दिया है, मैं दिखा दूंगा आपको। ऐसा भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करने की आदी है, 15 साल में 15 दिन का पट्टा नहीं दिए। आज जब हम गरीबों को पट्टे की बात कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये गरीबों की विरोधी पार्टी है, ये पार्टी के लोग ये बताएं आज कि 15 साल में किसी को 1 भी दिन का पट्टा दिया गया इन लोगों ने। आज अगर हम किसी को 20 साल 30 साल के पट्टे वालों को पूरा मालिकाना हक दे रहे हैं ताकि वो खरीदी बिक्री भी कर सके, दूसरा 1 साल के पट्टे वालों को रिन्यूअल कर रहे हैं और नई पट्टे देने की प्रक्रिया चल रही है। इनको पता है नगरीय निकाय चुनाव में इनका मैदान साफ हो जाएगा, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो स्वतः भीड़ पट्टे के आवेदन के लिए मिलने मुझसे आई थी, उस भीड़ को बरगला करके यहाँ ला के ज्ञापन के सौंपने का काम इन्होंने किया है। केवल इनके पास झूठ झूठ और नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। मैं कल की बात है, सवेरे में वार्ड नंबर 14 में मीटिंग लेने गया था। मेरी बात मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकी सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस,
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावली, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050110009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।